खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। अमृत महोत्सव के रूप में मेरी माटी मेरे देश के बैनर तले पुलिस अधीक्षक एहसानंद की अगुवाई में पुलिस विभाग ने निकाली तिरंगा यात्रा। देशभक्ति का दिया संदेश, महिला पुलिस सहित सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने लिया हिस्सा। खुद पुलिस अधीक्षक एहसानंद ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर इस रैली को किया लीड। देशवासियों से किया अपील का, हर क्षेत्र में हमारा देश ने खूब तरक्की की है। आज हम दुनिया में पांचवी मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आए हैं और आगे हमें विश्वास है कि हम पहले स्थान पर आएंगे। इसके लिए देशवासियों के योगदान बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो वर्ष है ये हमारे आज़ादी के अंदर 100 वर्ष के रूप में ही मनाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। और जैसा मैंने बताया कि बहुत से ऐसे क्षेत्रों में हमारे देश ने अच्छी तरक्की की इस दौरान, और आज हम दुनिया की पांचवी मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आए हैं। और आगे ये सबको विश्वास है कि हम पहले नंबर पर पहुँचेंगे, तो इसके लिए हमारे देशवासियों का योगदान बड़ा आवश्यक है, जैसे अब तक होता रहा। और इस अवसर पे हम सभी को ही हमारा कर्तव्य है कि हमारे परिवार से लेकर समाज तक और देश तक इस बात की भावना पहुँचे कि हमारे को जो आज़ादी मिली है इसके बड़े बड़े त्याग लोगों ने किए हैं, बलिदान किए हैं, तब हम आज इस स्थिति में है कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और उन सब के इस त्याग को और बलिदान को याद रखें हमेशा, और उससे प्रेरित होकर हम भी अपने लिए ऐसा संकल्प करें कि इस देश के लिए हम भी योगदान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।